दोस्तों अगर आप 1600 मीटर की तैयारी करते हैं, अगर आपको एक्सेलेंट लगाना है, 1600 मीटर एक्सेलेंट लगाना है, हर एक को एक्सेलेंट लगाना होता है, जो बेसिक से स्टार्ट करता है, जो एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस करता है, उस सभी को एक्सेलेंट लगाना पड़ता है, और एक्सेलेंट लगाना हर एक चाहता है, तो उसके लिए आपको अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। अगर आप बेसिक से स्टार्ट कर रहे हो, समझो एक बंदा आ गया ग्राउंड पर, वो प्रैक्टिस कर रहा है, प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा है, और अगर उसको एक्सेलेंट लगाना है तो उसको हर रोज़ आके अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। लेकिन अगर वो रोज़ आके अगर रनिंग करेगा, हर रोज़ रनिंग करेगा, तो उसके साथ आपका एक्सेलेंट बिल्कुल दोस्तों आएगा नहीं। अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हो, जो बेसिक से लेकर प्रैक्टिस करता है, जब जो ग्राउंड पर आता है सबसे पहले वो ग्राउंड की शुरुआत करता है, प्रैक्टिस की शुरुआत करते हैं, उसको भी दोस्तों एक्सेलेंट लगाना होता है। तो मैं हर एक को आज बताऊंगा कि एक्सेलेंट कैसे लगाना चाहिए, कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, किस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए ताकि आप अच्छे से एक्सेलेंट लगा पाओ। और दोस्तों 1600 मीटर एक्सेलेंट लगाना है तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए, और आज हम यहाँ पर हर एक को बताएंगे, जो बेसिक से प्रैक्टिस कर रहा है, उसके बाद जो एडवांस लेवल प्रैक्टिस कर रहा है, किस तरह से एक्सेलेंट लगाना है आपको, अच्छे से मैं आज बताऊंगा। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों जो नया बंदा है, जो ग्राउंड पर आता है सबसे पहले, वो प्रैक्टिस स्टार्ट कर रहा है, तो उसके लिए सबसे पहले टिप्स नंबर 1। तो दोस्तों जो नया बंदा है ग्राउंड पर आ रहा है, ग्राउंड पर प्रैक्टिस के लिए आ रहा है, तो उसको दोस्तों सबसे पहले उसको बेसिक एक्सरसाइज करना चाहिए, उसको सबसे पहले लाइटली स्ट्रेचिंग करना चाहिए, लाइटली जॉगिंग करना चाहिए, नॉर्मल ABC एक्सरसाइज करना चाहिए। ऐसे आपको ऐसे उसको एक वीक या दो वीक तक करना है, फिर उसके बाद थोड़ा जॉगिंग करना चाहिए, 15-20 मिनट जॉगिंग करना चाहिए। उसके बाद नेक्स्ट डे उसको नॉर्मल ABC एक्सरसाइज करना चाहिए, फिर उसके बाद थोड़ा आपको जॉगिंग बढ़ाना चाहिए, 20 से लेकर 25 मिनट की जॉगिंग करना चाहिए। इस तरह से दोस्तों उसका एंड्योरेंस बढ़ेगा, उसकी स्ट्रेंथ लेवल अच्छी से बढ़ेगी, और फिर उसको एक या दो वीक के बाद अच्छे से वर्कआउट करना चाहिए। और अगर इस तरह से वर्कआउट करेगा वो, तो उसका परफॉर्मेंस बहुत जल्दी बढ़ेगा, और वो 1600 मीटर एक्सेलेंस करने में बहुत हेल्प होगी। तो इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले दोस्तों मैंने अभी बताया, इस तरह से आप उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। टिप्स नंबर 2, दोस्तों जो नया बंदा है उसको एंड्योरेंस बढ़ाना चाहिए। उसके लिए वो क्या करना चाहिए, सबसे पहले एक वीक या दो वीक तक, वीक में दो बार उसको स्लो फास्ट और लॉन्ग रनिंग करना चाहिए। स्लो फास्ट करना चाहिए, स्लो फास्ट कैसे करना चाहिए, देखो उसको एक 50 मीटर से स्टार्ट करना चाहिए, 50 मीटर उसको फास्ट लगाना है, उसके बाद 50 मीटर स्लो लगाना है। इस तरह से उसको 5 मिनट के 2 सेट लगाने, फिर उसके बाद धीरे धीरे से वो 100 मीटर स्लो फास्ट करेगा, 100 मीटर स्लो पास करेंगे, 100 मीटर फास्ट जाएंगे अच्छे से 80-95%, फिर उसके बाद 100 मीटर स्लो आएंगे। इस तरह से वीक में उसको एक या दो बार करना चाहिए, और वीक में एक बार ज़रूर लॉन्ग रनिंग करना चाहिए, उसमें उसको 40 या 50 मिनट लॉन्ग रनिंग करना चाहिए। इस तरह से उसका एंड्योरेंस बढ़ता है, उसके बाद स्पीड बढ़ता है, और फिर वो अच्छे से एडवांस लेवल पर प्रैक्टिस करके उसका अच्छे से रिजल्ट आता है। इस तरह से उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। तो दोस्तों अब हम बात करते हैं जो एडवांस लेवल प्रैक्टिस करता है, जो अच्छे से बंदा प्रैक्टिस कर रहा है, जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं, उसके साथ उनका जो अभी मैंने बताया, उनका जो बेसिक जो नया बंदा कर रहा था, उनका अगर बेस अच्छा हो तो फिर आप इस एडवांस लेवल पर जो बंदे प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो रेगुलर प्रैक्टिस में है, उसी के साथ उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। जो रेगुलर प्रैक्टिस करते हैं उनके लिए दोस्तों मैं अच्छे से टिप्स बताऊंगा। अगर आप दोस्तों उनका बेस, जिनका बेस अच्छा हुआ है, जो नया बंदे के लिए मैंने अभी प्रैक्टिस कैसे करना चाहिए उनको बताया था, तो उनका अगर बेस अच्छा हुआ है, उसके साथ जो रेगुलर प्रैक्टिस कर रहा है उनका, उनके लिए मैं जो टिप्स बताने जा रहा हूँ। तो टिप्स नंबर 1, दोस्तों सबसे पहले आपको एक वीकली शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। आपको क्या करना है, अगर आपका टारगेट दो मंथ में अगर आपकी आर्मी भर्ती है, आपका फिजिकल है, या 2.5 महीने में आपका फिजिकल है, तब के लिए आपको दोस्तों एक वीकली शेड्यूल फॉलो करना चाहिए, अच्छे से शेड्यूल बनाना चाहिए, उसी के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। ऐसा नहीं कि हर रोज आओगे, हर रोज रनिंग करोगे, फिर उसके बाद कुछ जंप लगाओगे, ऐसा प्रैक्टिस बिल्कुल मत करो। अगर ऐसे प्रैक्टिस करोगे तो आपका रिजल्ट बिल्कुल नहीं आएगा, आपको एक वीकली शेड्यूल फॉलो करना चाहिए। फिर उसके बाद हम टिप्स नंबर 2 की बात करेंगे। दोस्तों हमने बताया वीकली शेड्यूल आप अच्छे से फॉलो करते हो, फिर उसके बाद दोस्तों आपको 1200 मीटर रेपिटेशन लगाना है। 1200 मीटर रेपिटेशन आपको स्पीड से लगाना चाहिए। अगर आप हर रोज 1600 मीटर भागोगे, 1600 मीटर दोस्तों आपको बिल्कुल भागना होगा, आपको डायरेक्ट जो आप स्टेट आप जब ट्रायल लेते हो तब आपको भागना चाहिए। दोस्तों आपको 1200 मीटर के रेपिटेशन ज़रूर लगाने चाहिए, क्योंकि अगर आप 400 मीटर के 3 चक्कर अच्छे से स्पीड से लगाओगे,
तब आपका 1600 मीटर का टाइमिंग बहुत अच्छा आएगा। और उसके साथ आपका जो फिनिश का राउंड होता है उसके लिए आपको 400 मीटर की रैपिडेस लगानी चाहिए। और दोस्तों अगर जब आप प्रैक्टिस करते हो तब आपको टाइमिंग के साथ प्रैक्टिस करना चाहिए। समझो आपने आपको 1200 मीटर 5 मिनट लगाना है या तो 4 मिनट में लगाना है या तो 4 मिनट 30 सेकंड में लगाना है, तो आपको दोस्तों 400 मीटर का लैप के साथ आपको टाइमिंग रखना चाहिए। सबसे पहला टाइम आपको क्या करना है, देखो सबसे पहला आपका राउंड जो होता है 1:30 का लगाना चाहिए, उसके बाद दूसरा 1:30, 3 मिनट हो गया, और लास्ट जो है 1200 मीटर का वो 1:30 में, मतलब 4:30 में। इस तरह से आपको प्रैक्टिस करना है तभी आपका, और दोस्तों इस तरह से 1200 मीटर के आपको 2 या 4 रैपिड्स लगा सकते हो तभी आपका अच्छे से टाइमिंग आएगा। और दूसरी बात को दोस्तों आपको हफ्ते में एक बार स्पेस रन जरूर करना चाहिए। मतलब क्या स्पेस रन, मतलब क्या दोस्तों, आपको 4 किलोमीटर स्पेस रन लगाना है, मतलब आपको हर 1 किलोमीटर आपको जितनी आपकी कैपेसिटी है, समझो आप 2 मिनट में 1 राउंड लगा सकते हो, 400 मीटर का राउंड 2 मिनट में लगा सकते हो, कोई 1:30 में लगा सकते हैं, तो आपको 1:30 में 1 राउंड, इस तरह से आपको हर 1 राउंड 1:30 में आना चाहिए। इस तरह से इसको आपको स्पेस रन बोलते हैं। ऐसे आपको 4 किलोमीटर लगाना, इससे क्या होता है, इससे आपकी जो बॉडी है बिल्कुल थकती नहीं है, आपका जो लेग एंड्योरेंस है वो भी अच्छे से हो जाता है। इस तरह से प्रैक्टिस करना चाहिए। और उसके बाद टिप्स नंबर 3, फिर उसके बाद दोस्तों आपको हफ्ते में एक बार हिल ट्रेनिंग जरूर करना चाहिए। अगर आप हिल ट्रेनिंग अच्छे से करते हो, हिल ट्रेनिंग अच्छे से करते हो, उसमें हिल पर आपको क्या करना, देखो हिल पर आपको चढ़ाई पर आपको दोस्तों 100 मीटर से लेकर 200 मीटर तक हिल ट्रेनिंग करना है। जाते समय फास्ट जाना है, फिर वापस आते समय स्लो जगह तक जाना है, और जाते समय आपको 80 से लेकर 95 फोर्स से आपको फास्ट जाना है, और वापस आते समय स्लो जगह तक जाना है। इसी तरह से आपको 10 मिनट या 20 मिनट आप कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप कुछ एक्सरसाइज कर सकते हैं, उसमें ब्रॉड जंप हो गए 20 मीटर में हिल पर आप एक्सरसाइज कर सकते हो, ब्रॉड जंप हो गए, उसके साथ लंजेस हो गए, इसे भी एक्सरसाइज कर सकते हैं। और फिर आपको 100 मीटर या 80 मीटर में आपको रैपिड्स लगाना है, 4 या 5 आपको रैपिड्स लगाना है, वो भी आपको 95 फोर्स से रैपिड्स लगाना है। इसी तरह से अगर आप प्रैक्टिस करते हो तो आपका जो लेग एंड्योरेंस अच्छे से होगा, आपके पैर बिल्कुल नहीं थकेंगे, उसके साथ आपके हाथ भी बिल्कुल नहीं भरेंगे। इसी से प्रैक्टिस करना चाहिए तभी आप अच्छे से एक्सरसाइज लगा पाओगे। तो दोस्तों इसी से प्रैक्टिस करना तभी आपका टाइमिंग अच्छा आ जाएगा। और उसके बाद हम टिप्स नंबर 4 की बात करेंगे। तो दोस्तों जब आपका प्रैक्टिस अच्छे से हो जाता है, जब आपका आपने अच्छे से प्रैक्टिस किया, फिर उसके बाद आप डायरेक्ट घर जाते हो, तो ये बिल्कुल दोस्तों गलत है। सबसे पहले आपको अच्छे से प्रैक्टिस होने के बाद आपको अच्छे से कूल डाउन करना चाहिए, आपको बिल्कुल स्लो जॉगिंग करना है, उसके बाद वॉकिंग करना है, जिसके वजह से आपको इंजरी बिल्कुल नहीं होगी, जो आपका पिता पेन होता है, जो हैमस्ट्रिंग पेन होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। इस तरह से आपको कूल डाउन करना है, और कूल डाउन होने के बाद आपको स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज करना है, ये आपको हर रोज करना है। और ये जब अच्छा परफॉर्मेंस आपको चाहिए, अच्छे से 1600 मीटर एक्सल लगाना चाहते हो, हर एक 4:50 के आसपास दौड़ना चाहते हैं, तो आपको ये सभी चीज़ें आपको अच्छे से करना चाहिए, ये बिल्कुल बेनिफिट है, आपको करना ही चाहिए। जो हमने अभी टिप्स बताए, इस तरह से आप अच्छे से प्रैक्टिस करना, आपका परफॉर्मेंस अच्छे से बढ़ जाएगा। और आई होप कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और इस तरह से हमारे वीडियो देखते रहना, हमारे एक वीडियो को अच्छे से बना होगा, आपको बेनिफिट होगा, इस तरह से आपको बना होगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखिए।